child when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the channel. I'm Chelsea and welcome back to the first video of wedding edition. So ये actually जो भी मैं videos बना रही हूँ वो weddings के ऊपर बना रही हूँ, like outfit ideas for weddings. So इस video में बात करूंगी different type के जो आपके suits होते हैं जो आप wedding पे पहन सकते हो. तो किस किस type के suit आपके पास wardrobe में होने चाहिए अगर आप you know wedding wardrobe बना रहे हो, like अगर आपको किसी की शादी attend करनी है या आपकी खुद की शादी है तो आप कैसे किस styles के सूट रख सकते हो एंड कहाँ से उसे ले सकते हो, कैसे स्टिच करवा सकते हो, किस पैटर्न किस डिजाइन के, एवरीथिंग अबाउट दैट. सो आई गेस कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा एंड पसंद आएगा. हाय अबू, ओ बेबी. सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा एंड आपको पसंद भी आएगा. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइज, ये है फर्स्ट आउटफिट एंड इस फर्स्ट आउटफिट के लिए मैंने यूज किया है लाइक ये ब्रॉकेट कपड़ा. आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ब्रॉकेट सिल्क या सिल्क बनारसी टाइप के कपड़े में लोग सूट बनवाते हैं. वो काफी रिच दिखता है एंड काफी क्लासी दिखता है. तो ये कपड़ा मैंने एक्चुअली चांदनी चौक से लिया था, 200 रुपीज मीटर में ये ब्रॉकेट का कपड़ा है. एंड इसको मैंने बोट नेक स्ट्रेट कुर्ता बनवाया है, इसके साथ मैंने पैंट्स बनवाया. तो इसके साथ प्लाजो भी बनवा सकते हैं और या तो आप चाहे तो इसको आप अनारकली टाइप भी बनवा सकते हैं. एंड इसके साथ मैंने लाइट वेट नेट का दुपट्टा लिया है. सो ये आउटफिट जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप यू नो कोई भी वेडिंग का कोई नॉर्मल फंक्शन अटेंड करते हैं लाइक मेहंदी वगैरह या संगीत वगैरह, या अपनी फ्रेंड की रिसेप्शन वगैरह पार्टी में जाते हैं, एंगेजमेंट पार्टी में जाते हैं तो उसमें पहनने के लिए बेस्ट है. या इवन अगर आप ब्राइड हैं तो यू नो शादी से पहले शादी के बाद भी बहुत ज्यादा रिचुअल्स वगैरह होते हैं तो वहां पे भी आप इस टाइप के यू नो सूट सेट वगैरह पहन सकते हैं. और ये काफी अफोर्डेबल होता है, अच्छे से स्ट्रिच हो जाता है एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है. सो गाइस, जो नेक्स्ट आउटफिट है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट आउटफिट्स में से एक है. आई लव दिस वन. ये से आप बोल सकते हो फ्रॉक स्टाइल सूट या अनारकली का शॉर्ट वर्जन बोल सकते हो आप इसे. एंड ये काफी ज्यादा क्यूट लगता है, लाइट वेट होता है एंड ये परफेक्ट है समर वेडिंग के लिए. अगर समर्स वगैरह में आप वेडिंग अटेंड कर रहे हो तो बहुत ही प्यारा है ये. एंड अगेन, जो कपड़ा आप देख रहे हो ये पुणे से लिया गया है. एंड इसके साथ जो इसका बॉटम है ये मैंने बॉटम में पैंट्स बनवाए हैं. टॉप एंड बॉटम अगेन सेम कलर में है क्योंकि अभी के टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंड में है टॉप एंड बॉटम सेम कलर में ही. एंड इस टाइप का फ्रॉक स्टाइल सूट भी काफी ज्यादा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है. सो अगर अभी आपकी वेडिंग हो रही है, आप वेडिंग वार्डरोब बना रहे हो तो इस टाइप का एक सूट तो बनता ही है आपकी वार्डरोब में क्योंकि लाइट वेट होता है, बहुत ही क्यूट दिखता है. सो या इसके ऊपर ग्रे कलर का आप दुपट्टा ले सकते हो या यू नो किसी भी कलर का आप दुपट्टा, लाइट वेट दुपट्टा थ्रो कर सकते हो. सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ आउटफिट. सो फोर्थ आउटफिट ये है अनारकली सूट जो कि अगेन मैंने फैब्रिक लेकर स्टिच करवाया है. ये फैब्रिक मैंने पुणे से लिया, मेरी सिस्टर ने भेजा था. एंड उसके साथ एक्चुअली अनारकली सूट के साथ मैंने ये पैंट स्टिच करवाए हैं जो कि दोनों एक ही कलर में है, लाइक अनारकली एंड पैंट. इस टाइप का भी सूट काफी चला हुआ है अभी ट्रेंड में जिसमें टॉप और बॉटम दोनों एक कलर का होता है. इसके साथ मैंने अभी तक दुपट्टा लिया नहीं है. अभी एक्चुअली जो दुपट्टा मैं इसके साथ यूज कर रही हूँ नॉर्मली जस्ट आपको शो करने के लिए, वो सिंपल नेट का दुपट्टा यूज कर रही हूँ. तो आप यू नो हैवी दुपट्टा भी ले सकते हो. अगेन, जो मटेरियल है इस कपड़े का वो सिल्क ब्रोकेट टाइप का मटेरियल है. समर्स के लिए तो उतना अच्छा नहीं होगा बट हाँ, विंटर्स वेडिंग के लिए ऑफकोर्स ये परफेक्ट है. आप विंटर्स वेडिंग में आराम से इसे पहन सकते हो. सो इस टाइप का सूट भी काफी अच्छा होता है इवन अगर आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हो या यू नो अगर आप खुद भी ब्राइड हो तो आप इस टाइप का एक कलेक्शन में रख सकते हो. लाइक स्पेशली फॉर रिसेप्शन पर्पस ये ड्रेस बहुत परफेक्ट है. अगर आप किसी की रिसेप्शन अटेंड कर रहे हो, आप इसे पेयर अप कर लो अच्छी सी ज्वेलरी के साथ, लाइक हैवी ज्वेलरी के साथ, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक देता है ये.
So guys, moving on to the fifth and the last outfit. I love this one so much. Like इसका color बहुत ही ज्यादा cute और बहुत ही ज्यादा pretty and unique है. ये you know peach orangeish color है. इस पे बिल्कुल you know बारीक से work है. Again ये कपड़ा मैंने चांदनी चौक से लिया था and बहुत ही अच्छा कपड़ा. ये थोड़ा सा भी you know अंदर से कोई problem नहीं होता इसे पहनने में. So ये straight कुर्ता है as you can see and इसके साथ मैंने contrast में pair up किया था पैंट. लाइक इसका मैंने पैंट बनवाया था मिंट ग्रीनिश टाइप कलर में जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देता है. सो यू नो एक और आप चीज कर सकते हो कि आप कॉन्ट्रास्ट सूट सेट्स लो, वो भी काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं. बट मेक श्योर कि जब आप कॉन्ट्रास्ट सूट का सेट बनवा रहे हो तो वो दोनों क्लैश ना करें. यू नो लाइक कलर्स ऐसे हों जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें. उसके साथ मैंने ये दुपट्टा लेकर मार्केट से इस कलर में डाई करवाया था. ये प्लेन व्हाइट दुपट्टा था. सो या ओवरऑल ये लुक बहुत ही सुंदर देता है. लाइक कंप्लीट लुक बहुत ही अफोर्डेबल था, ज्यादा महंगा भी नहीं था एंड काफी लाइट वेट है. लाइक ये दिखता हैवी है बट इट्स वेरी लाइट वेट. आप समर्स वेडिंग के लिए भी पहन सकते हो. अगर आप इसे हाफ स्लीव्स में सिलवाते हो तो इट्स परफेक्ट फॉर समर वेडिंग. अगर फुल स्लीव्स में बनवाते हो तो परफेक्ट है विंटर वेडिंग्स के लिए. मेरे मोस्ट ऑफ द कपड़े फुल स्लीव्स होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं वेडिंग्स अटेंड करती हूँ वो विंटर वेडिंग्स होते हैं. इसीलिए आप हाफ स्लीव्स में भी बनवा सकते हो टू अटेंड समर वेडिंग्स. सो गाइज मैंने आपको 3 to 4 डिफरेंट स्टाइल के कुर्तीज दिखाए और यू कैन से सूट सेट्स दिखाए जो आपके वेडिंग वार्डरोब में होने चाहिए. लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू अटेंड अ वेडिंग या आपकी खुद की शादी हो रही है तो ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सूट होते हैं जो मैंने कलेक्ट किए ओवर टाइम. तो मुझे लगता है कि वेडिंग या किसी भी फंक्शन पे जो आप अटेंड करने जा रहे हो उस पर परफेक्ट बैठते हैं एंड काइंड ऑफ ये अफोर्डेबल है. ज्यादा हैवी भी नहीं है. लाइक मोस्ट ऑफ द लोगों को हैवी कपड़े नहीं पहनने अच्छा लगता. लाइक फॉर एग्जाम्पल मी आई डोंट लाइक हैवी क्लोथ्स. सो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है. ये काफी ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं. आप इनको यू नो मिक्स मैच करके मोर देन एक से ज्यादा आप वेडिंग्स में पहन सकते हो. एंड या मोस्ट ऑफ द जो आपने कपड़े देखे एक्चुअली मैंने फैब्रिक लेके स्टिच करवाया है. सो बहुत सारे आपको यू नो शॉप्स मिल जाएंगे. इवन गुड़गांव सदर मार्केट में यू हैव डिफरेंट शॉप जहां पे फैब्रिक मिलता है. फैब्रिक लेके स्टिच करवाओ. सो मैं बोलूंगी फैब्रिक लेके स्टिच करवाना इज द बेस्ट आइडिया बिकॉज अगेन आप डिजाइन पैटर्न अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हो कितना हैवी कितना लाइट वेट आपको बनवाना है. सो या आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो. एंड ज्वेलरी जो भी मैंने इस वीडियो में यूज किया है वो सारा सदर मार्केट दिल्ली का है. So yeah, thank you so much for watching my video guys. Don't forget to subscribe to my channel and give this video a big thumbs up and let me know in the comment section below that ki aapka favorite outfit kaun sa tha. Mera to ye hai because this is very lightweight guys. This one. So yeah, see you.